पड़ाव, और ये अंतिम पड़ाव जो है वो 7 चैप्टर होता है, वो पहले सैमुअल से लेके 7वें सैमुअल तक, ठीक है, 7वें सैमुअल 17वां, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि इज़राइल का जो जीवन है वो किससे शुरू हुआ, वो अब्राहम से शुरू हुआ, और 1000 साल लगे दाऊद तक पहुँचने में, पर परमेश्वर के विश्वास योग्यता को देखो, कितने ऊपर चढ़ाव नीचे चढ़ाव हुए, ऊपर नीचे या ऊपर नीचे क्या बोलते हैं, चढ़ाव उतार चढ़ाव, हाँ उतार चढ़ाव, थैंक यू, उतार चढ़ाव हुए कि परमेश्वर ने अब्राहम का वादा दाऊद में पूरा किया। इसलिए हमें पता चलता है कि परमेश्वर का हर एक वादा पूरा होता है, क्यों, अब्राहम के बाद एक आदमी से एक परिवार बन गया, एक परिवार से 12 गोत्र बन गए, 12 गोत्र से एक राष्ट्र बना, एक राष्ट्र से राज्य बना, जिसका राजा कौन था, दाऊद, और लगे कितने साल, 1000 साल। परमेश्वर ने एक आदमी को एक राष्ट्र बना दिया, समझ में आया, आई विल मेक यू नेशन। तो परमेश्वर का वादा अब्राहम के लिए पूरा हो गया, इधर तक दाऊद तक। दाऊद को इसलिए सबसे ज्यादा उत्तम किंग राजा माना जाता है क्योंकि उसके समय में जो शांति था, सोलोमन के राज्य में भी शांति था, पर इतना नहीं जैसे कि दाऊद के राज्य में था। सब दाऊद को ज्यादा मानते थे, सोलोमन से भी ज्यादा, क्योंकि दाऊद ऐसा राजा था तो अपना चरित्र भी वो अच्छा रखता था, मतलब अपना ही टू टेक केयर ऑफ हिज पीपल, लोगों का भी ख्याल रखता था, प्लस परमेश्वर के लिए उनका दिल बहुत ही साफ था, इसलिए परमेश्वर ने उनको ऊपर ले लिया। इसलिए पूरे बाइबल में आप देखो, लास्ट टाइम मैंने दिखाया ना कैसे सब दाऊद की तरफ पॉइंट होता है, सब लोग को दाऊद का ही राज्य अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि वो सबसे उत्तम राजा था उनके पूरे राज्य के इतिहास में। इसलिए जब यीशु मसीह को ऊपर उठाया जाता था तभी उन्होंने क्या बोला, कब तुम वापस से राज्य को पुनः स्थापित करोगे ऐसे राज्य में, तो बोले कि तुम्हारे लिए ये सब बातें अभी नहीं है, है ना। तो ये सारे इजरायली ये चाहते हैं दाऊद राजा, इसलिए परमेश्वर ने कहा दाऊद फिर से आएगा, सिंहासन के ऊपर बैठेगा और राज्य करेगा, दाऊद फिर से आएगा, और किसके नीचे दाऊद राज्य करेगा, मसीह के नीचे, यीशु मसीह के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, कोई भी पढ़ो, शमूएल, दाऊद, नातान, गाद, कौन है लेखक दोनों किताबों का, शमूएल, दाऊद, नातान और गाद, ठीक है। गाद कौन है, गाद भी एक नबी है, नाथान भी एक नबी है, इस 22 सैमुअल में अगर पढ़ोगे तो बाद में दाऊद को एक और नबी मिलता है जिसका नाम है गाद। तो सैमुअल ने लिखा, दाऊद ने लिखा, नाथान ने लिखा और गाद ने लिखा, मिलकर ये अनमोल चीजें लिख लिख कर रखे, पर इसको जोड़ा किसने, इन सब इतिहास के पन्नों को साथ में लाकर जोड़ा किसने, मतलब न्याय ग्रुप, पहला दूसरा सैमुअल, पहला दूसरा राजा, पहला दूसरा इतिहास, यशया नबी ने। और यशया नबी का मौत ऐसा कहा जाता है हेजिकिया का बेटा जो है मनसा उसके समय में हुआ था, शायद से मनसा ने ही यशया को मार दिया, याद है, अगर आप यशया पढ़ोगे तो किंग हेजिकिया का जिक्र होता है वहां पे कि वो बीमार था और उसने सूरज को वगैरह जो भी है, सूरज वापस से आ गया था कि उसको बीमारी और उसका आयु बढ़े, तो हेजिकिया के राज्य में यशया था, तो उन्होंने सारे किताब, उन्होंने सारे ये पंक्तियों को साथ में जोड़ा और उन्होंने ये BC में 743 एंड 683 BC के बीच में उन्होंने ये सब लिखा, ठीक है। ये कहाँ पर है, दूसरा इतिहास 32 में, दूसरा इतिहास 32 में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि हेजिकिया के सारे और जो कुछ राजा वगैरह ने किया यशया की किताब में लिखा गया है। पढ़ना है, इसको पढ़ना है, नहीं विश्वास है या पढ़ना है किसी को, यशया 32 आई मीन दूसरा इतिहास 32, विश्वास है ना सबको, बाद में पढ़ना है, ठीक है। जगह फिलिस्ती में, क्यों, क्योंकि सारे लोग वहां पर फिलिस्ती में ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अंक विवरण स्टैटिस्टिक्स रीड, 9वां किताब बाइबल का 31वां अध्याय 810 वचन 25,061 शब्द 25,061 शब्द। ये सारे स्लाइड्स में दे दूंगा, तो अगर नंबर्स नहीं लिखना है तो ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे स्लाइड्स दे दूंगा ताकि हम जल्दी जल्दी जा सकें, चलेगा, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, द एक शमूएल को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर वन
शमूएल आखिरी न्यायी और नंबर टू शाऊल पहला राजा. सिंपल ये आप डिविजन्स लिख सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. नंबर वन शाऊल शमूएल आखिरी न्यायी 1 से 12 अध्याय तक और शाऊल पहला राजा 13 से लेके 31 तक. क्योंकि वो लिखा है उधर कि वो आखिरी न्याय था. आखिरी लड़ाई फिलिस्टी के साथ हुआ था. किसने? शमूएल के दो बेटों को न्याय बनाया. के दोनों बेटे ये हो चुके थे. नॉट कंसिडर्ड बाय द लॉर्ड. 40 साल तक न्याय करता रहा. फिर उसी टाइम पे सॉल का राज्य स्थापित हुआ. देयर वाज किंगशिप रूल नॉट आगे जाके हुआ ना. उसके पहले स्टार्टिंग में पढ़ो कि शमूएल बिफोर शमूएल कैन डाई. Before Samuel can die, he can decide. He could have made it in his flesh. God didn't tell him to make it. Ruth. Ruth. ठीक है? क्योंकि रूथ न्यायियों के समय में था. न्यायियों के समय में हुआ था. रूथ कुछ पहले वालों न्यायियों के समय में हुआ था. ओतिनियल एहूद उनके समय में हुआ था. तो यू रूथ पहला लिखा गया था. ठीक है? अब ढूंढ लो, आगे पढ़ लेंगे. ठीक है? ठीक है. तो यहाँ पर दो व्यक्ति को देखते हैं. एक शमूएल शमूएल और एक शाऊल शाऊल शमूएल और शाऊल शमूएल और शाऊल. ठीक है? शमूएल के जीवन में 3 लोग और 1 राष्ट्र है. कौन 3 लोग शमूएल के जीवन में? पढ़ो ना, एली और शाऊल. 3 लोग शमूएल के जीवन में और 1 राष्ट्र. राष्ट्र कौन सा है? इज़राइल राष्ट्र. समझ में आ रहा? शाऊल के भी जीवन में 3 लोग और 1 राष्ट्र है. पढ़ो. योनातन शमूएल दाऊद. 3 लोग अहम मुद्दे रखते हैं शाऊल के जीवन में और 1 राष्ट्र कौन सा है? पलिश्तीन. क्योंकि पलिस्तीन हमेशा शाऊल के पीछे पड़ा हुआ था. जब भी वो दाऊद के पीछे पड़ता था तो पलिस्तीन यहाँ से आक्रमण करते थे और वापस से उसको दाऊद को छोड़कर वापस से पलिस्तीन से लड़ना पड़ता था. आमीन. तो दोनों के जीवन में देखो कितना समानता है. समानता. ठीक है. आई कीप चेंजिंग, इट्स ओके ना. मैं चेंज करता रहूँ. दाऊद राजा. दाऊद राजा को 4 शब्दों में यदि हमने डिवाइड किया. दाऊद राजा के जीवन 4 शब्द में आपको डिवाइड करना है. आप जिंदगी भर याद रखोगे दाऊद राजा का. सब लोग बोलो बोलो. अंदर बाहर ऊपर नीचे. समझ में? पहले वो अंदर आया था राज्य के अंदर गोलियात के समय में. समझ में आया? फिर वो भाग गया राज्य से बाहर और रेगिस्तान में रहता था. फिर जब वो आया वापस ऊपर तक चढ़ा कि वो राजा बन गया जेरूसलम का और पूरे इसराइल का राजा बन गया. एक पूरे राष्ट्र का राजा बन गया. और फिर आखिरी में एब्सलोम के विरोधी के बाद वगैरह उसका पूरा जीवन उसका बच्चीबा के साथ वगैरह सब होता है. उसका पूरा जीवन नीचे चला जाता है और अंत में नीचे में ही एंड हो जाता है. तो 4 चीज़ों में उनका जीवन डिवाइड है. अंदर बाहर ऊपर नीचे. ठीक है. नेक्स्ट. परमेश्वर का राजपद आपके आउटलाइन में है जो शिवानी बहुत मेहनत से उन्होंने ट्रांसलेट किया है. तो हिंदी में, हिंदी वाले में जो क्रोनोलॉजी. तो वो पहले सबसे पॉइंट हम लेने वाले हैं यहाँ पे. परमेश्वर का राजपद मतलब परमेश्वर का शासन चलता है. ठीक है. ये वंशावली सूची जो है आपको लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आउटलाइन में है वहाँ पे ऑलरेडी. मैंने वही कॉपी किया. आपके पास आउटलाइन में है वंशावली सूची वही है. ठीक है. कुल पिताओं की वंशावली और इज़राइल के गोत्र की वंशावली ये दो जन इतिहास में है और उधर है. ठीक है. नेक्स्ट चेंज करो. हाँ वो आउटलाइन में ही है. ये भी सारे आउटलाइन में है पर ये एक एक करके देखेंगे. जस्ट रीड दिस वंस थ्रू योर एंटायर थिंग. धर्म तंत्र का बंद होना. पहला शमूएल का शुरुआती जीवन
शमूएल का जन्म और बचपन शमूएल सिलो में, दूसरा देश के दुर्घटना का समय, इसराइलियों का हारना और संदूक का चोरी होना, एली के घर का गिरना, वाचा का संदूक, शमूएल आखिरी न्याय। ठीक है, ये सब पॉइंट अभी हम देखने वाले। सबसे पहला पॉइंट, शमूएल का शुरुआत जीवन, शमूएल का शुरुआत का जीवन। ठीक है, शमूएल का जन्म और बचपन, सबको पता है शमूएल का स्टोरी क्या है, हन्ना उसके माँ के बारे में। ठीक है, हन्ना और पनीना के पास बच्चे थे, तो वो बार बार इसको चिढ़ाती थी कि देखो मेरे पास बच्चे हैं, मतलब कैसे भी चिढ़ाती थी, पर बोला नहीं गया कि कैसे चिढ़ाती थी, पर वो हमेशा बोलती थी देखो मेरे पास तो मेरे बच्चे हैं वगैरह, और ये एकदम उदास होती थी क्योंकि ये बैरन बांझ थी। कितने बांझ औरत ने जन्म दिया बाइबल में? सारा और रेचल। नाइस। देन हन्ना, देन एलिजाबेथ इन न्यू टेस्टामेंट। जो भी बांझ औरत थे हमेशा उन्होंने बड़े बड़े व्यक्तियों को जन्म दिया, बड़े बड़े। क्यों? रेचल ने किसको दिया? जोसेफ एंड बेंजामिन। जोसेफ, फर्स्ट जोसेफ ना, ओपनिंग इज जोसेफ। जोसेफ, सारा ने आइज़ैक, द प्रॉमिस्ड हेयर। एलिजाबेथ ने किसको? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। सब बड़े बड़े व्यक्ति को इन्होंने, और हन्ना ने किसको? शमूएल को, सबसे बड़ा जो नबी था उस जमाने में। आमीन। तो जब लोगों के दृष्टि में सब बंद हो जाता है, सबसे बड़ा कार्य परमेश्वर वासे सारा महिमा देने वाले। आमीन। तो लोगों के नजरों में जब सब बंद हो जाता है, पढ़ो। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था, और वहां होपनी और पिनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। किसने बनाया उनको याजक? किसने याजक बनाया उनको? एली ने बनाया, क्योंकि एली के बेटे थे, तो याजक बाय इनहेरिटेंस बन गए वो। याजक बाय इनहेरिटेंस, परमेश्वर ने नहीं बना, याजक बाय इनहेरिटेंस, कि उनका बाप याजक था इसलिए वो लोग याजक बने। पर यहाँ पर क्या हो रहा था, हन्ना उपास प्रार्थना करती रहती थी कि मुझे बच्चा पैदा हो, हर टाइम हर समय उपास प्रार्थना करती थी। और मुझे सिखाया गया था, आपके बारे में मुझे नहीं पता है, परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया है ना, परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। ठीक है, परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया, तो उपास प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। आगे देखो, रीड। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक-बिलक कर रोने लगी। आजकल हम बिलक-बिलक कर रोते हैं ना चीजों के लिए, हे परमेश्वर करो, हे परमेश्वर करो, हे परमेश्वर करो, बिलक-बिलक कर रोना। क्या परमेश्वर को बिलक-बिलक कर रोने वाले अच्छे लगते हैं? हन्ना को उनका जवाब उपास की वजह से मिला, बिलक-बिलक कर रोने की वजह से मिला, या वो धर्मी थी इसलिए मिला, किसकी वजह से मिला? नहीं मिल रहा है जवाब। शायद उसे, किसकी वजह से हन्ना को शमूएल मिला? शायद उसने परमेश्वर से वाचा बांधा, विश्वास किया, फास्टिंग वगैरह ने, फास्टिंग भी किया, फास्टिंग प्रेयर से उसने विश्वास किया कि वो परमेश्वर का बच्चे को समर्पित करे। हन्ना मन ही मन में कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने न समझा कि वह नशे में है। ठीक है, एली ने समझा कि वह नशे में। ठीक है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसको एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। पर प्रॉब्लम क्या है, क्या सच में ये था? रीड इन योर बाइबल, ओपन योर बाइबल, फर्स्ट शमूएल 119, one verse before that.
रीड वर्स 17 टू 19, 17 से लेके 19 तक पढ़ो, आपको आपका जवाब मिलेगा वहाँ पे, आपको कैसे मिलता है परमेश्वर से। रीड। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। मन चाहा वर दे। कब कब कहा इज़राइल के परमेश्वर ने, कब कहा? लिखा है यहाँ पे, किसने कहा? एली ने, याजक ने कहा कि परमेश्वर ने तेरे सारे प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया। आगे पढ़ो क्या होता है। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। समझ में आ रहा है आपको? कब उनका मुंह उदास नहीं रहा? कब उनका मुंह उदास नहीं रहा? कब उन्होंने खाना खाया? जब उसको बच्चा पैदा हुआ? जब उसको जवाब मिला? पहले। समझ में आया कि नहीं? उनको बच्चा मिला तब वो खाना खाना बंद कर दिया, क्योंकि हम खाना नहीं खाते जब तक परमेश्वर जवाब नहीं देता है। जैसे परमेश्वर के मनुष्य ने उनसे कहा, मनुष्य के सेवक ने उनसे कहा कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है, उसने खाना खाया और अपने मुंह का उदासी निकालकर हंसने लगी। कन्फर्मेशन किससे मिला? मनुष्य से। मैंने कन्फर्मेशन दे दिया आपके ऊपर, प्रोफेसी कर दिया शुरुआत में, आपने वो लिया। अगर उस पर विश्वास नहीं किया, आप अभी तक उसी में रहोगे। उसके लिए कन्फर्मेशन क्या था? मनुष्य, परमेश्वर के मनुष्य ने बोल दिया, बस डील। तभी शमूएल ने मिला था, तभी वो उल्टी करने नहीं लगी। उसने खाना खाया, उसने अपना फास्टिंग तोड़ा, जैसे परमेश्वर के मनुष्य, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर के सेवक से निकली हुई बात खाली नहीं जाती है। आप लोगों को शक है कि अगर हमने कहा तुम्हारे परिवार का उद्धार हुआ तो बिलक बिलक कर और उपास करने का क्या फायदा? उनके उद्धार के लिए, बाकी के लिए करो, उनके उद्धार के लिए, उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने वादा किया आपसे। ये शुरुआत, ये साल की शुरुआत में जब हम आपके ऊपर प्रार्थना करके बोल रहे थे, आपको चंगाई मिला, आपको आपके रिश्ते सब सुलझ गए, आपके ये मिला, आपका उसी समय तुम्हारा चेहरा जो है रोशन होना चाहिए था। देखो आगे, देखो, अच्छा ठीक है अभी तक मुझे नहीं मिला, अभी तक क्या करूं? मतलब मेरा वादा जो है, आपने बोल दिया कि ठीक है मेरा वादा मुझे मिलेगा, पर अभी तक नहीं मिला, तो अभी क्या करूं? रीड द नेक्स्ट वर्स। उन्होंने क्या किया, हन्ना ने क्या किया? देखो, बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एलकना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। वाओ, सुबह उठते ही उन्होंने दंडवत किया, उन्होंने आराधना किया और नॉर्मल से रिश्ते रखकर उनको शमूएल पैदा हुआ। दंडवत आराधना में है आपका जवाब, आराधना में है आपका जवाब। यकीन करो, बाइबल में लिखा है, क्रॉनिकल्स में, बिलीव द प्रोफिट्स एंड यू विल प्रॉस्पर, बिलीव द मैन ऑफ गॉड एंड द प्रोफिट्स, प्रभु के सेवक और उनके भविष्य वक्ताओं के ऊपर विश्वास करो कि वो जो बोलते हैं वो है, और तुम उन्नति या सफलता पाओगे। आपको यदि शक है तो आप अभी भी स्ट्रगल करोगे उन सारे वादों के लिए जो आपके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। समय अभी आ गया कि आप हंसने का चेहरा रखो और दंडवत और आराधना करते जाओ, शमूएल आपका हो जाए। क्यों? मैंने कहा आपकी सफलता आपको मिला। क्यों? सेकंड क्रॉनिकल्स 2020 पढ़ो हिंदी में। बिहान को वे सवेरे उठकर तकुआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशपात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम सफल हो जाओगे। उसके नबियों के प्रतीति करो। एक बात कहूँ मैं आपसे, जो कुछ आप मांग रहे, जो कुछ आप प्रार्थना कर रहे, जो कुछ आप पूछ रहे परमेश्वर से, मैं आज परमेश्वर का मनुष्य होकर, सेवक होकर, बेटा होकर, नबी होकर ये कह रहा हूँ, आपको मिल गया है। उदास रहना बंद करो, उदास रहना बंद करो, आराधना करो, आराधना
बस आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आपके सारे जवाब आराधना में है। ठीक है, आगे देखो हन्ना का गन्ना, हन्ना का गाना, हन्ना का मीनिंग क्या हो सकता है? किसका? शमूएल नाम का मीनिंग, द लॉर्ड हीरो से थी। चेक करो, ठीक है बाद में बोलता, बाद में बोलता। The Lord hears. ठीक है, next शमूएल शिलो में क्यों परमेश्वर को, हन्ना ने कहा अगर तू मेरे को एक बेटा देगा मैं तुम्हारे सेवक के लिए दे दूंगा, सेवकाई के लिए दे दूंगा, तो वैसे ही हुआ। देखो यहाँ पर रीड दिस। परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। आमीन। तो वो बार बार अपने बेटे से मिलने के लिए आती थी, पर प्रति वर्ष, क्योंकि शिलो में टबेनाकल था, शिलो में प्रभु का घर था, प्रभु का वेदी था। पढ़ो, रीड। और एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की संति जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियाँ उत्पन्न हुए और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। एक मिनट, हन्ना का सुधि यहोवा ने कब ली? फास्टिंग, प्रेयर, क्या किया हन्ना ने? क्या किया जब एली याजक ने कहा, एली याजक ने कहा कि क्योंकि तूने तेरा बेटा दिया यहाँ पे, परमेश्वर तेरे इस औरत से तुझे और वंश दे। समझ, अगर मैंने यहाँ से कहा कुछ हो गया तो हो गया। आप सबके जीवन में आशीर्वाद और आशीष ही आशीष के चश्मे फूटेंगे इस दिन के बाद। समझ में आ रहा है? आप एक दोगे ना परमेश्वर 100 देगा भर भर के। आमीन। और परमेश्वर ने किसकी सुनी? याजक एली की। और हन्ना पे आशीर्वाद हुआ। आज मैं जो आपके ऊपर बोलूंगा सब होगा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का वाणी बनकर यहाँ पर बैठा हूं। समझ में आया? मुझ में कुछ काबिलियत नहीं है, पर मेरे वचन जो है वो परमेश्वर के वचन है। और परमेश्वर के कोई भी वचन, बाइबल में कभी भी आपने पढ़ा कि यहोवा के संग रहना? रीड द येलो वन। और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। शमूएल बालक यहोवा के संग किरत, यहोवा के संग रहता बढ़ता गया। He was with the Lord. You're getting it? बाइबल में हमेशा पढ़ना कि द लॉर्ड इज विथ यू, परमेश्वर तुम्हारे संग है, परमेश्वर तुम्हारे संग है। या तो क्या 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 हो रहा है? छोड़ो, किस लिए? डोंट कह, डोंट मिस दिस यार, नो मैटर व्हाट। परमेश्वर, बाइबल में हमेशा लिखा परमेश्वर यहोवा कहता मैं तुम्हारे संग हूं। यहां पर लिखा शमूएल बालक यहोवा के संग। परमेश्वर आपके संग है, क्या आप परमेश्वर के संग हो? फर्क है उसमें। परमेश्वर तो आपके संग है, क्या आप परमेश्वर के संग हो? फर्क है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्लीज कैच योर ओन रेवलेशन ऑन दिस। बाद में पढ़ना, परमेश्वर को कहना कि मुझे प्रकाशन दे दो। रीड। एली और उसके 2 पुत्र होपनी और पिनहास जो लुच्चे थे उन्होंने यहोवा को न पहचाना। शमूएल बालक जो है यहाँ पर ज्ञानी, ये लोग जिनके बाप याजक है, इन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना और शमूएल बालक जो है यहोवा के संग संग चल रहा है। कभी आपका सारा एजुकेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, काबिलियत, सब कुछ, आपका बाप ये रह सकता है, वो रह सकता है, आपके पास बहुत पहुंच है, अगर यहोवा आपके साथ नहीं है आपका तो निश्चय अंत ही होगा। यहोवा शमूएल के साथ था। वीड आगे। नेक्स्ट।
रीड क्या क्या किया उन्होंने. अच्छा बाय द वे लुच्चा जो है ना, लुच्चे जो है इंग्लिश में बेलियल है. बेलियल, बेलियल का मतलब वर्थलेस. पर बेलियल गॉड का नाम भी था, एक परमेश्वर का नाम था, एक भगवान का नाम था, देवता का नाम था. बेलियल, द सन्स ऑफ बेलियल कहते हैं ना, द सन्स ऑफ, हिंदी में क्या है, लुच्चे के बेटे, क्या लुच्चा है, कैसे लुच्चा है, पर वो बेलियल मतलब शैतान के बच्चे. तो बेलियल इज अ गॉड, ठीक है. तो लुच्चे दिए यहाँ पे क्या मालूम, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया हिब्रानी से, ठीक है. तो ये किसको मानते थे, बेलियल के बच्चों के जैसे ये लोग जीते थे, जैसे वो लोग जीते हैं वैसे ये लोग जीते. क्या करते थे बेलियल के बच्चे, क्या करते ये क्या करते, देखो आगे, रीड द फर्स्ट वन. यहोवा का आदर नहीं करते थे. सबसे पहले यहोवा का आदर नहीं करते थे. दूसरा, वो दोनों बेलियल को मानते थे. दोनों बेलियल को मानते थे. तीसरा, यहोवा के अर्पण से चोरी करते थे. यहोवा के अर्पण से चोरी करते थे. चौथा, वो दोनों यहोवा के लोगों को भयभीत करते थे. यहोवा के लोगों को भयभीत करते थे कि अगर तुमने वो अर्पण नहीं दिया हमको, हम तुम्हें श्रापित कर देंगे. आगे पांचवा, दोनों तंबू में व्यभिचार करते थे. लड़की या स्त्री जो अर्पण करने के लिए आ जाते थे उनको लेकर तंबू के पीछे जाके उनका बलात्कार करके उनको भेजते थे घर पे, ठीक है. छठवा, यहोवा के लोगों से पाप करवाया. यहोवा के लोगों से पाप, देखा कैसे उनके बच्चे, किसके बच्चे. अरे एली एक बात बताओ, आपने इतना भविष्यवाणी किया हन्ना के लिए, हाँ वो बांश थी, उसको बच्चा पैदा हुआ, उसका बच्चा एकदम अच्छा मिला उसको, तुम्हारे बच्चे के लिए तुम प्रोफेसर नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हो, उपास नहीं कर सकते हो, तुम्हारे खुद के बच्चे के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो. बाकी के बच्चे, बाकी का परिवार आप बसा रहे हो, खुद का परिवार का क्या. सवाल उठता है कि नहीं, याजक है, एली है, एली ने कहा और हो गया, तो मतलब बड़ा याजक है ये तो, और उसके खुद के दोनों बेटे ऐसे. आजकल के जमाने में ना एली को रहना चाहिए था, वो प्रीचिंग में बैठता था ना, पास्टर बोलते थे प्रेयर, प्रार्थना करो तुम्हारे दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करो, वो आ जाएंगे परमेश्वर के पास आ जाएंगे. एली बोलता रहेगा वो बांझ औरत को मैंने बच्चा दिलाया मेरे वचन के द्वारा, और मेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँ, ठीक है. आगे, सॉरी रीड, शमूएल के साथ क्या हो रहा था जब ये दोनों लुच्छे वापर थे. परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे. जब परमेश्वर आपके संग है, मनुष्य और परमेश्वर दोनों आपसे प्रसन्न रहते हैं. जब आप परमेश्वर के संग, आपको सुनो गौर से, किसी को प्रसन्न नहीं करना पड़ता है. दे डाटा विद द लॉर्ड ना, दे डाटा सद्य आर्ट्स ऑन द लॉर्ड, ही मेक्स द एनिमीज ऑल्सो एट पीस विद देम. उनके दुश्मनों को उनके साथ मेल मिलाप करता है परमेश्वर. कौन करता है? नहीं, आपको करना चाहिए यार, आपको कोशिश करना चाहिए, आपको नम्रता से बात करना चाहिए, आपको अच्छे से बात करना चाहिए, है ना. आपको क्या हुआ? अच्छा बैठे, आपको अच्छे से बात करना चाहिए उनके साथ. पर नहीं नहीं, परमेश्वर ये काम किसका है, किसका है, दिख रहा है आपके सामने, किसका है, किसका है ये काम, किसका है, परमेश्वर का है ना. आप कोशिश क्यों कर रहे हो, आप नाकाम क्यों होते हो हर हमेशा, लोगों को प्रसन्न करने में नाकामयाबी आपको क्यों मिलता है, क्योंकि वो आपका काम नहीं है. आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए रखना, बाकी सब रिश्ते अपने आप सुधर जाएंगे. आप अगर लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करोगे तो असफलता का सबसे बड़ा वो ही कारण है. आप और निराश हो जाओगे और हताश हो जाओगे और आपका बकवास जीवन जाएगा. आया ना, आया ना, आया ना, परफेक्ट. नेक्स्ट रीड इफ यू कैन रीड फ्रॉम. और मेरी इस बात का चिन्ह वो विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नाम तेरे दोनों पुत्र पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे. एक बंदा आया वहां पे, एक नबी वहां पर आया और वो एली को बोलने लगा, एली याजक को बोलने लगा, गौर से सुनो, याजक को बोलने लगा, रीड इट. एक श्राप दिया उसको और बोला कि ये तुम्हारे बेटे का अंत होगा ऐसे, रीड. और वे एक ही दिन मर जाएंगे और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा
और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा और वह मेरे अभिषिक्त के आगे सब दिन चला फिरा करेगा। आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि तुम दोनों बेटों को मैं निकाल दूंगा, एक ही दिन मैं दोनों को मरवा दूंगा और मेरे विश्वास योग्य याजक को मैं बिठा दूंगा। देखो, आपको पद के लिए लड़ना नहीं पड़ता है, परमेश्वर